बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अब मैं भी ठीक हूँ। और आज 14 अगस्त है, तो मेरी तरफ से सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी यहाँ पर जो था बच्चे सब घर पर ही हैं, क्योंकि इनकी जो है सेलिब्रेट हो चुकी है, मतलब फ्राइडे को नो सैटरडे को हो चुकी थी, सैटरडे को थी इनकी, तो एक दो दिन पहले ही स्कूल में हो गई थी, तो आज इन लोगों का ऑफ है। और कल संडे का, तो संडे की भी छुट्टी थी, तो अभी यहाँ पर इन्होंने बस ऐसे इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर झंडियाँ वगैरह जो थी बच्चों का, बस ये शौक होता है छोटे होते झंडियाँ फ्लैग्स वगैरह लगा लेते हैं, तो वही इन्होंने लगाए हुए अपने घर पर यहाँ पर। और अब ये घर पर इंजॉय कर, अभी यहाँ पर जो था मैं सामान वगैरह कुछ भी, मतलब सफाई वगैरह नहीं थी, जो भी सुबह मॉर्निंग और छुट्टी वाले दिन का यही होता। अब 3 दिन से मतलब इन लोगों की छुट्टियाँ चलेगी, सैटरडे संडे और आज मंडे होगी। अब कल से इंशाल्लाह ताला इनकी रेगुलर रूटीन जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो भी मैं किचन में जाऊँगी, और इसके अलावा जो था खाना वगैरह बना कर, मेरी बहन आई थी तो बस घर पूरा दिन उसमें गुजर गया था संडे तक, तो उसमें ही पूरा दिन पता ही नहीं चला। और कोई आ जाए, हम कहीं चले जाएँ, तो इस तरह पूरा दिन एकदम पता ही नहीं चलता कहाँ आया कहाँ गया। तो अभी यहाँ पर मैं किचन में जाऊँगी, थोड़ा बहुत काम करने वाली, तो खैर मैंने साफ सफाई वगैरह है किचन, बस नाश्ते की थोड़े कप्स वगैरह हैं वो मुझे, तो ये देखिए बस नाश्ते के मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके अलावा आज जो मैं बना रही थी, मैं बनाऊँगी आज दाल चावल, तो अभी मैंने जो है दाल वगैरह नहीं चढ़ाई है, क्योंकि मैं कुकर में बनाऊँगी, तो 10 से 15 मिनट में वो भी हमारी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले जो है बर्तन वगैरह मैं धो लूँ, फिर उसके बाद दाल बनाना स्टार्ट करूँगी। और अभी खैर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है इस वक्त, एकदम ठंडा ठंडा बिल्कुल मौसम हो रहा है, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है यहाँ पे, और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी जिस किस्म की शिद्दत की गर्मी हो रही थी, माशाल्लाह उस हिसाब से बहुत अच्छा मौसम हो गया। और शाम रात में भी यही होता है कि अब जैसे कि सारा सर्दी आ गया, ब्लैंकेट की ज़रूरत हो गई आधी रात के बाद, तो फिर अभी तो हल्का फुल्का चादर वगैरह ले लेते हैं, और लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। लेकिन हर बारिश तो इस तरह नहीं हो रही कि बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हो रही है, या वो बारिश का तो नहीं, लेकिन ये है कि ना वो है मौसम बस इसी तरह का हो रहा है, धूप बिल्कुल आउट हो रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि चल ओके बस, तो ये देखिए यहाँ पर अभी अलग वगैरह मैंने समेट लिया था, और यहाँ पर अभी मैं थोड़े बहुत कपड़े पड़े थे मुझे समेटने और धोने, और यहाँ पर देखा मैंने दाल चढ़ा दी थी, तो आज मैं बना रही थी खड़े मसूर की दाल चावल। तो दोपहर में थोड़ी हल्की फुल्की सी थोड़ी दिल चाहता है चावल वगैरह खाने का, तो बस यहाँ पे मैं ये करती, फिर शाम के लिए सालन वगैरह होगा तो वो बनाएंगे। तो भी मैंने यहाँ पे दाल खड़े मसूर करी, इसमें मैं जो है पिसी हुई मिर्ची डाल दूँगी, हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक, तो बस ये तीनों चीज़ें डाल के यहाँ पर मैं इसको कुकर में बना लूँगी। तो इसके अलावा अगर आप इसको मतलब वैसे बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, तकरीबन आधा पौना घंटा लग ही जाता है, क्योंकि इसे गलने में टाइम लगता है। तो इसके अलावा अगर आप कुकर में बनाएंगे तो 15 मिनट में, 10 से 15 मिनट में आपकी जो है ये रेडी हो जाएगी। तो इसको मुझे हाफ़ फ्लेम में नहीं रखूँगी, थोड़ा मतलब मीडियम में ही रखूँगी, तो ये तकरीबन इजीली आराम से पक जाएगी। और तेज़ आंच में बनाएंगे तो भी पानी खुश्क हो जाएगा इसका। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी दाल बन के रेडी हो गई थी, अब मैं इसका बघार लगाई थी, तो यहाँ पर मैंने लहसुन ले लिया था, थोड़ा सा हरी मिर्चें ले ली थी, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर ज़ीरा डाला था। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसमें से तड़का लगाऊंगी इन तीनों चीज़ों का, और लहसुन डालने से ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सौनपन आ जाता है दाल में। और ये देखिए अब मैंने दाल पकाई थी, तो माशाल्लाह कितनी घुली मिली दाल पकी है, और यहाँ पे बिल्कुल मैंने प्योर ये दाल ली थी, इसमें दूसरी दाल ऐड नहीं करी थी। और ये देखिए यहाँ पर हमारी बन के रेडी हो गई थी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो बस यहाँ पे बच्चे भी आ गए, तो बच्चे वैसे घर पर ही तभी नमाज़ वगैरह पढ़ने जाएंगे, क्योंकि जब घर पर होते तो कभी खाना खा के चले जाते हैं और नमाज़ पढ़ने, या फिर कभी आके पढ़ते हैं, तो अभी टाइम था इन लोगों के पास, तो ये कह रहे मम्मा खाना खा के जाएंगे, तो बस ये खाना खा के नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो था आज इनका फुल डे जो है घर पर ही गुजरेगा, क्योंकि स्कूल कोचिंग ट्यूशन सबकी छुट्टी है, तो बस ये थोड़ा घर पर ही इंजॉय करेंगे। और ये सुबह मॉर्निंग का टाइम था, तो ये मैंने इनके लिए बनाया था आलू का पराठा, तो ये बनाया रेडी हो गया था।